तो अभी आ रहे हैं नावेद भाई उड़ते हुए। हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम ऑटो चैनल। तो फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज का हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, कुछ डिफरेंट है। तो प्रोजेक्ट जो है मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ। तो रात के इस वक्त बज रहे हैं 9:30। तो वेल्डिंग वाले भाई को जो है ना हमने रोक रखा है। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है मैं आप लोगों को अब दिखाता हूँ। तो इससे पहले जो है आप लोगों ने सब्सक्राइब करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों ने नहीं जाना। तो ये है संदीप भाई की बाइक। तो संदीप भाई का भी चल रहा है डिनर। मेरी बाइक बाइक देख कहाँ दिखा रहा है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो KTM RC 200 को लेके आया। तो सबको पता ही है सैम भाई की बाइक है। तो इसमें जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है ना, वो अभी चल रहा है एग्जॉस्ट को लेके। तो एग्जॉस्ट जो है हमने फाइनली पूरा खोल रखा है। तो ये एग्जॉस्ट के कुछ पार्ट्स यहाँ पड़े हुए हैं। ये हमने थोड़े से बने बनाए पीस लिए थे। तो ये प्रोजेक्ट किस में चल रहा है, तो आप लोगों ने ये देखा होगा। तो ये आपको मार्केट से किसी भी क्रोम वगैरह की दुकान से मिल जाने वाला है। ये कुछ अच्छे प्राइस में मिल जाता है, मतलब कि फुट के हिसाब से जो आपको मिल जाएगा। तो बैंड पाइप जैसा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा तैयार किया है। तो ये यहाँ पे चल रही है ग्राइंडिंग। तो वेल्डिंग हुआ है, उसकी सफाई कर रहे हैं। Yeah, you better listen. I'm bringing heat. You'll be a fan when I start rapping. Way I'll have your fucking head spinning. I'm known as spit vicious. Release bombs and go tick tick. Boom, you blow me that head missing. I'm a phenomenon. Stacking cheese like it's Parmesan. Eight different flows, call me Octomom. I'm moving fast like the Autobahn, and I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan. बस ये बंदे का फ्रेम बनने वाला है थोड़े टाइम में। ये फ्रेम बन रहा है इसका। तो अभी जो फाइनली अपना बैंड पाइप बन चुका है प्रॉपरली, वहाँ से जो बैंड करके भाई ने बनाया और जो फिनिशिंग आई है ना, बहुत नेक्स्ट लेवल फिनिशिंग है। पता ही नहीं लग रहा कि वेल्डिंग हुआ अभी है। तो अभी जो है स्प्रिंग का जो है सेट अभी वेल्ड करा है। और ये है अपना एग्जॉस्ट जो ऑनलाइन मंगवाया एक्रापोविक का। ये सारा क्रेडिट जाता है मिस्टर आदिल को। तो फाइनली जो है अपनी फिटिंग प्रॉपरली यहाँ से हो गई है। तो यहाँ का जो हमारा कनेक्टर जो बन नहीं रहा था, पर लेकिन आदिल भाई ने बना दिया। तो ये आप फिनिशिंग देख रहे हो प्रॉपरली तरीके से, पता ही नहीं लग रहा है कि वेल्ड हुआ भी है। तो ये अपना एक्रापोविक का, तो इसमें अभी लगा हुआ है टीवी किलर। तो बैटरी की वायर हमने लगा दी है। तो अभी स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के बाद जो एग्जॉस्ट का साउंड है वो देखते हैं, फर्स्ट साउंड कैसा रहने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो है इसमें लगा हुआ है टीवी किलर इसके अंदर लगा हुआ है। और अभी ये नॉर्मल साउंड है, एक्सीलेट करने के बाद कुछ आता है। तो अब जो है टीवी किलर खोल के इसका एक बार साउंड सुनाते हैं आप लोगों को। तो अभी क्या है ना, यहाँ पे जो इसका मेन जो इसकी लगती है, जो इसको यहाँ पे टिकाएगा, तो अभी वो लग नहीं पा रहा, वो कल लगाएंगे। बट अभी यहाँ पे कुछ ऐसा जुगाड़ किया है, तार से जो है इसको लगा दिया। तो ये कल का काम है, कल करेंगे इसको। तो अभी इसका ये डीबी किलर को अभी खोल लेते हैं और उसके बाद इसका साउंड सुनाते हैं। आपने डीबी किलर में सुन ही लिया। तो अभी जो है डीबी किलर खोला जा रहा है। तीन बंदों ने जो है ना इस डीबी किलर को पकड़ के रखा हुआ है। तो ये डीबी किलर जो है बाहर आ चुका है। बात है, बैक फायर प्रॉपर तरीके से। तो अभी सीट लगी नहीं है भाई, सीट लगा लो पहले। मैं बैठ गया। तो अभी गए राउंड मार। तो अभी आ रहे नावेद भाई उड़ते हुए।
क्या बात है। तो शिकारी अभी पीछे खड़े हैं रेस देते हुए। तो कैसा लगा एग्जॉस्ट का साउंड? सॉरी गाइस, रात ज़्यादा हो गई थी इस करके हम ब्लॉग को एंड नहीं कर पाए। तो अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से जो बैंड पाइप दिखा पाऊँगा और एग्जॉस्ट दिखा पाऊँगा कि कैसी फिटिंग आई है कैसी। तो गाइस ये खड़ी अपनी आरसी केटीएम 200, जिसमें हमने रात को इतनी मेहनत करने के बाद, इतना टाइम लगाने के बाद जो है बैंड पाइप को कम्प्लीट किया था। तो जो हमारे वेल्डिंग वाले भाई थे उनके लिए बहुत बड़ा थैंक यू यार, जिन्होंने मतलब इतना प्रॉपर जो है हमारे को काम करके दिया। तो देख सकते हो आप सामने प्रॉपर तरीके से जो है सारा कुछ इसके अंदर जो है पत्ती वगैरह एंगल सारा कुछ फिट हो चुका है, और जो आपको आई होप कि सबको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। तो जो बैंड पाइप है ना जो उसके अंदर जो चला गया प्रॉपर तरीके से, वो बहुत अच्छी चीज़ लग रही है, ताकि उसके अंदर से कोई हवा वगैरह लीक ना हो। तो ये कुछ नीचे से है, तो आप देख सकते हो मतलब वेल्डिंग जो है ना प्रॉपर तरीके से जो अपनी तरीके पूरी कवर हो चुकी है। जो यहाँ पे स्प्रिंग लगने हैं हमारे, उसके लिए भी जो हमारे को ये एग्जॉस्ट के साथ जो है कन्वर्टर आते हैं, तो यहाँ पे वेल्ड करा दिए, ये हमारे दोनों लग चुके हैं। हमने यहाँ पे एक पत्ती को बैंड करके जो है, इसमें वैसे जुगाड़ होता नहीं आरसी केटीएम में, तो हमने इसमें यहाँ पे एक सुराख करके दिख रहा होगा आई होप की, तो सुराख करके एल पत्ती बना के हमने जो है यहाँ पे एग्जॉस्ट को पूरी तरीके से फिट कर दिया। तो अभी जो है इसके अंदर लगा हुआ है टीवी किलर। तो फिटिंग कैसी लग रही है आप लोगों को, जो हमने खुद हैंडमेड जो की हुई है आई होप की बहुत अच्छी लग रही होगी यार। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार कि, और मैं आपको पहले प्राइस बता देता हूँ यार, सबसे बड़ी चीज़ होती है जो प्राइस आती है। तो इस पे जो हमारा खर्चा आया है ना वेल्डिंग मिला के और पाइप को मिला के, तो नाना करते करते हमारा 850-900 रुपये का जो है बिल बन गया था सारा प्रॉपर तरीके से, और एग्जॉस्ट जो है उन्हें परचेज़ किया था। तो इसकी मैं एक बार आपको एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ। तो अपने संदीप भाई अभी बाइक को चलाएंगे, तो आप लोगों को आवाज़ का जो है बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसा साउंड आ रहा है अपनी बाइक में से। तो अभी मैं आपको आइडल सॉन्ग सुनाता हूँ कैसा आ रहा है डीबी किलर के साथ। तो ये अभी आइडल है, अब रेस देंगे। तो ये इसका अभी इसका एक्सीलेटर साउंड है। तो अब एक बार मैं आपको चला के दिखवाऊंगा कैसी इसकी जो साउंड आ रही है। संदीप भाई, तो संदीप भाई अभी बैग लेके जा रहे हैं क्योंकि ये रास्ता इधर को आने वाला है, वापिस जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कैसा लगा अपनी आरसी केटीएम 200 का साउंड, जिसमें हमने कस्टम अपना बैंड पाइप बनाया? आई होप कि बहुत अच्छा लग रहा होगा, साउंड भी बहुत अच्छा आ रहा होगा। तो इसी नाम पे सब्सक्राइब बनता है, लाइक बनता है, फटाफट से वो आप लोगों ने जाके कर देना है। तो इस ब्लॉग के लिए एक लाइक तो जरूर बनता ही बनता है, आप लोगों ने वो लाइक जरूर करना है सब्सक्राइब के साथ। तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में कुछ नया लेके, कुछ शायद हमारी कोशिश है हम अपनी R15 के अंदर से दोबारा जो है एग्जॉस्ट इंस्टॉल करने वाले हैं, तो नेक्स्ट ब्लॉग जो है हम उसके ऊपर लेके आने वाले। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना गाइस। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में कुछ नया लेके, टिल टाइम।